आज हमारे बीच हमारे ऊर्जावान व दूरदर्शी मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित हैं, जो निरंतर देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए प्रयासरत है। मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी तथा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वे एम्स जोधपुर की विभिन्न नवीन सुविधाओं का उद्घाटन एवं लोकार्पण करें। मैं मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया इसमें सम्मिलित हों। कृपया तालियों से इनका अभिनंदन करें। एम्स जोधपुर में 98 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित टाइप 5 फैकल्टी हाउसेस समग्र स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण होगा। बॉयज हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल 73 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और ये 384 छात्र और 434 छात्राओं को आवास प्रदान करेंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, सेंट्रल एनिमल हाउस फैसिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र है जहां नवजात शिशुओं को सहायता और पोषण प्रदान किया जाएगा। न्यूनेटोलॉजी मॉडल अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, पेट सीटी, स्पेक्ट सीटी, BSL-3 लैब देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में बहुत योगदान देंगे। सभी कार्तल ध्वनियों से इनका अभिनंदन करें। आप सभी को धन्यवाद। इन सभी परियोजनाओं का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत किया गया है। एम्स जोधपुर इज पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, विच हैज एनविजन 22 एम्स अक्रॉस द कंट्री। 6 of those aims are connected with us virtually today. Our esteemed chief guest would be inaugurating various state-of-the-art facilities at these institutes as well. अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे भारत सरकार के अन्य एम्स की विभिन्न सुविधाओं का उद्घाटन करें। एम्स भुवनेश्वर। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे एम्स भुवनेश्वर की विभिन्न सुविधाओं का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन करें। जिसमें परामर्श कक्ष, ICU, वार्ड और ऑपरेशन थिएटर सम्मिलित हैं, जो घायल मरीजों को तत्काल चिकित्सा प्रदान करेंगे। ड्यूअल एनर्जी लीनियर एक्सेलरेटर, जो किफायती दर पर कैंसर के मरीजों के इलाज में सुविधा प्रदान करेंगे। धर्मशाला भवन 25 करोड़ की लागत से बनी यह सुविधा मरीजों के परिजनों के ठहरने का प्रबंध करेगी। एम्स भुवनेश्वर के समस्त श्रोतागण करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। धन्यवाद महोदय। एम्स बिलासपुर। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे एम्स बिलासपुर के विभिन्न सुविधाओं का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन करें। कार्डियोकैथ लैब सुविधा, जो गंभीर हृदय रोगियों को तत्काल उपचार देगी। लॉन्ड्री सेवाएं। एम्स बिलासपुर, कृपया तालियों की गूंज से अपना अभिनंदन व्यक्त करें। धन्यवाद महोदय। एम्स देवघर। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे एम्स देवघर की विभिन्न सुविधाओं का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन करें। MRI सुविधा, 4 करोड़ की लागत से निर्मित यह 3 टेस्ला मशीन रेडियो डायग्नोस्टिक सेवाओं में काफ़ी सुधार लाएगी। गर्ल्स हॉस्टल, जो छात्रावास छात्राओं की सुविधापूर्ण आवास प्रदान करेगा। एम्स देवघर के समस्त श्रोतागण करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। धन्यवाद महोदय। एम्स गोरखपुर। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे एम्स गोरखपुर की विभिन्न सेवाओं का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन करें।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो जेनेरिक दवाएं प्रदान करेगा, नाइट शेल्टर जिसमें परिजन रात में ठहर सकते हैं, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता सुधारेगा। एम्स गोरखपुर, कृपया तालियों की गूंज से अपना अभिनंदन व्यक्त करें। धन्यवाद महोदय। एम्स नागपुर, अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे एम्स नागपुर की विभिन्न सुविधाओं का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन करें। CSSD सेवा जो ऑपरेशन के लिए स्वच्छ उपकरण प्रदान करती है, और स्किल लैब जो 4 करोड़ की लागत से कौशल प्रयोगशाला मेडिकल छात्रों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को सुधारेगी। एम्स नागपुर के समस्त श्रोतागण करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। धन्यवाद महोदय। और अंत में एम्स ऋषिकेश, अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे एम्स ऋषिकेश की विभिन्न सुविधाओं का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन करें। ट्रॉमा ICU, ये सेवा गंभीर रूप से घायल ट्रॉमा रोगियों के लिए सर्वोत्तम उपचार देगी, और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ जिसके थ्रू सरकारी योजनाओं के प्रभावशाली कार्यवाहन में सहयोग होगा। एम्स ऋषिकेश, कृपया तालियों की गूंज से अपना अभिनंदन व्यक्त करें। आप सभी को धन्यवाद। नाउ वी शैल प्ले अ शॉर्ट वीडियो हाइलाइटिंग द प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेटेड टुडे।